हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अंकुर कुमारी के साथ इस कॉल में हैं एंड यहाँ पे हम इस कॉल में अंकुर कुमारी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अंकुर कुमारी हैज स्कोर्ड वंडरफुल मार्क्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ, राइट? उन्होंने अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, BST में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हर एक में 95+ स्कोर किया है। एंड यू नो लाइक कि 95+ सब सब्जेक्ट्स में स्कोर करना इजी नहीं होता है, राइट? और अकाउंट्स में इन्होंने 99 मार्क्स स्कोर किया है। एंड 99 नंबर, लाइक सिर्फ एक मार्क्स डिडक्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट? सो मुझे पता है कि आप सब लोग जानना चाहते हो कि ऐसी क्या तैयारी करी, कि ऐसी क्या प्रिपरेशन करी, ऐसा क्या स्टडी किया कि अंकुर जो है इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, सो हेलो अंकुर, हाउ आर यू? No, sir, I'm fine. सो अंकुर, लाइक वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड सो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आपने जो है कैसे इतनी अच्छी तैयारी करी, कैसे आप इतने अच्छे मार्क्स जो है ले पाए, ला पाए हर सब्जेक्ट के अंदर में। तो बच्चों को क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? Yes, I also feel honored to assist them. ओके अंकुर, यस यस आई नो दैट, राइट? सो लाइक आई वॉन्ट टू आस्क फर्स्टली, लाइक कि आपने जो है अपनी स्टडी कैसे स्टार्ट करी, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम कि आप हर सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। सबसे बड़ा टाइमिंग, सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होता है स्टडी का, वो ये था कि प्री बोर्ड के बाद जो 1 मंथ गैप मिलती है उसका जुडिशियस यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने ये भी देखा है, कुछ बच्चे थे जो पूरे साल अच्छे थे बट कहीं ना कहीं उतने अच्छे भी नहीं थे जितना मार्क्स उसका अच्छा आया है। बट सर, क्योंकि सिर्फ का रीजन सिर्फ यही था कि जो 1 मंथ टाइम मिला था प्री बोर्ड के बाद, जिसने उसका जुडिशियस यूज किया वो बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। तो इस 1 मंथ का यूज सबको अच्छे से करना चाहिए। This is a golden period. तो लाइक कि प्री बोर्ड के बाद आप ये कह रहे हैं कि काफी बच्चे रखता है कि अब प्री बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बोर्ड में भी आ ही जाएंगे, लोग ढीला हो जाते हैं, है ना? आप कह रहे हो कि उस टाइम पे ढीला नहीं होना चाहिए, और वो टाइम है और स्ट्रिक्ट होने का अपने ऊपर, वो टाइम है और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे से मार्क्स स्कोर करने का, राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अगला क्वेश्चन मेरे लिए आपके पास है कि आप संतोष सर के स्टूडेंट है, राइट? एंड आपने उनसे अकाउंट्स यस सर, पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर संतोष सर से आप अकाउंट्स ना पढ़ते तो इट वाज ओके, आपकी सेम तरीके से तैयारी रहती, आपके लिए अकाउंट सेम रहता, या अकाउंट्स में संतोष सर का कुछ अलग से एज मिला है आपको, या आपको उनकी गाइडेंस की वजह से कुछ हेल्प मिली है? टीचर्स तो सारे पढ़ाते हैं अच्छे। टीचर्स में कंपैरिजन करना गलत है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बट सबसे बेस्ट चीज संतोष सर की ये थी कि उन्होंने जो पढ़ाया वो उन्होंने किसी चीज को ये नहीं कहा कि तुम बस को मगअप कर दो। उन्होंने कहा था कि तुम समझो, अच्छे से उन्होंने समझाया था और टाइम टू टाइम वो सबको मोटिवेट भी करते रहे थे। पूरे ईयर थ्रू आउट उन्होंने मोटिवेट किया था इस चीज के लिए, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, रिवाइज कैसे करना, सब कुछ। तो सर, मुझे लगा कि आज भी मैं देखती हूँ कि मैं फाउंडेशन में है, किसी से भी कह सकती हूँ कि मैं फाउंडेशन जो है क्लास 11th 12th वो काफी स्ट्रांग है, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो संतोष सर को जाता है। तो मैं फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। टीचर्स स्कूल में भी पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छे थे मेरे। बट वन ऑफ द थिंग इज दैट कि बहुत दूर थी उनकी क्लासेस, तो मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस परस्यू करने चाहिए। और मुझे संतोष सर की यूट्यूब वीडियोज काफी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने संतोष सर की वीडियोज परस्यू की थी। और सर, उससे मुझे काफी हेल्प मिला था ओके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस नेक्स्ट सर, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक यू नो कि बहुत बच्चे ये बार बोलते हैं कि वीडियो क्लासेस क्यों ले हम, लाइव क्लासेस से पढ़ाई अच्छी होती है। आपका क्या कहना है इसके अंदर कि क्या वीडियो क्लासेस लेना बेटर है या लाइव क्लासेस ही से पढ़ना चाहिए? सर मुझे लगता है वीडियो क्लासेस बेटर है। इसका सबसे बड़ा मेरिट्स ये होता है कि एक तो कभी आपकी तबीयत खराब हो, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, होम ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपकी स्टडी मिस होती है। बट वीडियो क्लासेस में क्या आपकी स्टडी कोई कुछ मिस नहीं होती है। और सेकंड मेरिट ये होता है सर कि आप कोई कंसेप्ट भूल गए, आपको टीचर्स दोबारा पूछना पड़ता है, हो सके उनके पास टाइम ना हो, या फिर आप उसी को छोड़ ही देते हो, छोड़ो यार फिर से बाद में देखा जाएगा। बट सर, वीडियो क्लासेस में क्या होता है कि आप जैसे ही कंफ्यूजन हुआ तुरंत लैपटॉप फोन खोलो, तुरंत उसमें वीडियोस दोबारा देख लो, सारे कंसेप्ट फिर से क्लियर। तो सर, इसमें होता है कि एक टीचर है जो 24 आवर्स आपके साथ है, सबसे वन ऑफ द मेरिट इज दिस ऑल्सो। और सर, इसके और भी मेरिट्स है कि सर कभी कभी होता है कि हमारे कोचिंग्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, लेट हो जाते हैं, तो
तो बहुत लॉस होती है पढ़ाई की इसमें, कभी बारिश होना शुरू हो गई तो इस वजह से बहुत लॉस होती थी पढ़ाई। लेकिन सब ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वीडियो क्लासेस में, जिसकी वजह से वही बात है कि 24 आवर्स टीचर्स आपके साथ हैं, आपको जब मन है या किसी कंसेप्ट में कुछ भी हल्का सा डाउट होता है तो आप तुरंत उसे देख सकते हैं और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके ग्रेट ग्रेट। सो इसी के अंदर लाइक मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ आपसे अंकुर, की मतलब आप जो है घर से पढ़ रहे हैं राइट, और आप लाइक हमारा ऑफिस जो है वो नोएडा में है सीयूसी का, और आप रहते हैं बिहार में, तो आपको डर नहीं लगा कि मतलब इतनी दूर बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस नहीं चली, कोई इशू हो गया तो काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, क्या सीयूसी टीम आपको सपोर्ट कर रही थी उस ड्यूरेशन के राइट जब आपने स्टडी किया? यस सर, जब से मैंने कोर्स परचेज किया टिल परचेज करने के साथ, जब से परचेज किया तब से लेकर जब तक वो वीडियो क्लास मैंने शुरू की जब तक खत्म की टिल द एंड ऑफ ईयर, वो टेक्निकल टीम हो या फिर सपोर्ट टीम हो, सब लोगों ने मुझे हेल्प किया। बुक्स भी प्रॉपर टाइम पे घर पे आ गई थी, सब कुछ प्रॉपरली हो गया था, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आए थे तो मैंने, एक बार मुझे भी आया था तो मैंने कॉल किया तुरंत, विद इन 5 मिनट्स वो टेक्निकल इशू भी खत्म हो गया था। तो मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि आप नोएडा में हो मैं बिहार में हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। ग्रेट अंकुर, ग्रेट, ठीक है अंकुर। सो ये रही आपकी पुरानी बातें जो आप कर चुके हो, अब आगे की थोड़ी सी बात करते हैं राइट। अभी लाइक आई नो कि आपने सीए फाउंडेशन की क्लासेस ली हैं सीयूसी से, तो इसका मतलब आप सीए बनना चाहते हैं, बट आपका एक्चुअल गोल क्या है सीए बनने से, लाइक व्हाई यू रियली वांट टू बिकम सीए, और व्हाई यू चोज करियर ऑफ बिकमिंग अ सीए, बिकॉज आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, सीए बनना, सीएमए बनना, सीएस बनना, सीएफए करना, राइट, तो आपने सीए क्यों चूज किया पहले और सीए बन के आगे क्या करना चाहते हैं? सर टिल स्टैंडर्ड 10th मैंने साइंस में जाने का सोचा था, जैसे मेरे टीचर्स भी कहते थे तुम अच्छी स्कोरर हो साइंस में जाओ, सब लोग कैसा कहते थे, बट पापा ने सपोर्ट किया, तुम्हें जो मन है तुम वो करो। तो सर मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी न्यूज़पेपर में एक बार, उसमें सीए के बारे में दिया था और मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगा, और सर मैंने उसी के बाद से सोचा कि नहीं मुझे सीए करना है। सब लोग स्टॉक भी गए थे कि ये अचानक से क्या हो गया, बट मैंने कहा कि नहीं मुझे सीए करना, सिर्फ 1 महीने पहले एडमिशन से, और फिर मैंने सीए किया। और सर मैं कॉमर्स फील्ड में आई ही थी सीए करने के लिए, तो सर मैंने सीए परस्यू किया, और मेरे साथ में एक और एम है कि बीकॉम ऑनर्स करना है किसी अच्छे कॉलेज से, मतलब कोई इंडिया के टॉप कॉलेज में से आपको मिल ही जाएगा एडमिशन, मार्क्स इतने अच्छे हैं राइट, तो यू विल गेट श्योरली इन एनी लाइक इन एनी कॉलेज यू विल गेट एन एडमिशन जहां पे आप ड्रीम कर रहे हैं। आई होप एग्जैक्टली वही सेम कॉलेज मिले जहां पे आप ड्रीम कर रहे हैं, आई प्रे टू गॉड फॉर दैट। ओके तो अंकुर लाइक यू नो अभी आपके से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है कि क्लास 12th में कैसे पढ़ाई करें, बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर में कि क्लास 12th सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मानी जाती है बच्चों के लिए कि पढ़ना है, कुछ बनना है, ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स सब के सब यहाँ पे ऐसा प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं राइट। तो आपकी क्या गाइडेंस है कि बच्चों को अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किस चीज से उनको दूर रहना चाहिए, क्या क्या मतलब कैसे बच्चा जो है जैसे आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हर सब्जेक्ट में वो भी कर सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, इसलिए हमेशा चिल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कभी भी माइंड पे ये प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि मुझे अच्छे स्कोर करने हैं, सारे कंसेप्ट तो क्लियर रखना चाहिए, स्कोर तो अपने आप आ जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मार्क्स पे फोकस करने के बजाय बच्चों को अपने कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। और मैंने भी ऐसा ही किया था क्योंकि मार्क्स मैटर करते हैं एडमिशन के तक ही, बट फाइनली आपके लाइफ में आपकी नॉलेज मैटर करती है, तो हमेशा से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कभी भी प्रेशर सबके लाइफ में होता है, सब लोग किसी ना किसी टाइम लगता है कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, सब लोग होते हैं, लगता है कि अब क्या होगा मार्क्स कम आ गए, बट फैमिली को सपोर्ट करती है, आई एम श्योर कि सबकी फैमिली 21st century में सपोर्ट करती ही होंगी, और सर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया था। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहिए, अपने हॉबीज भी पूरे कीजिए, इंजॉय भी कीजिए, जब आपको लगे कि आपने काफी पढ़ाई कर लिया, आप थक चुके हो, तो कभी पार्टी करने भी चाहे जाया करो, तो इंजॉय भी करना चाहिए, तो लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, नहीं कि क्लास 12 है तो कोई बहुत बड़ा चीज है, सबके लिए सबके लाइफ में 12th स्टैंडर्ड आता है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। और फाइनली ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कम भी आ जाएंगे यू आर नॉट द वर्स्ट, कोई बात नहीं, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, फ्यूचर आपकी एक सिंगल शीट पर कोई डिसाइड नहीं करता है, वो बस आपके एडमिशन तक ही सीमित है, उसके बाद आपको फिर आगे की करियर देखनी होती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, फॉर एग्जांपल मैं कल ही चेक कर रही थी यूपीएससी टॉपर्स रैंक 1 जिनके आते हैं
दे आर नॉट द स्कोरर्स इन स्टैंडर्ड 10th और 12th, उनके भी 60-65% आए थे अपने टाइम पे, बट आज वो यूपीएससी रैंक वन लेकर आए हैं. तो सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर. ट्रू. काफी स्टूडेंट्स सही में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि क्लास 12th है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट एक्चुअल में वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, राइट? वैसे बहुत सारे पीस ऑफ पेपर सही में आपके लिए लाइफ में आने वाले हैं, जो कि आपके लिए कोई भी एक पीस ऑफ पेपर आपकी लाइफ जो है बदल सकता है, राइट? चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, चाहे आप आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करें, चाहे वो आप एक कंपनी में कुछ अच्छा परफॉर्म कर दें, या कोई आप ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें जिससे आपको हेल्प मिले, या फिर आप प्रोफेशनल डिग्री में कुछ अच्छा कर लें. ऐसे में बहुत सारे CA CMA CS को भी जानता हूँ पर्सनली, जो 10th 12th में अच्छा मार्क्स नहीं लाए थे, ठीक है, बट वो CA CMA CS पे बहुत कुछ कर गए. इवन रैंक होल्डर्स हैं CA CMA CS के जिनके 10th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यस, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. वो डिसिप्लिन थे तब भी, वो 10th और 12th में भी डिसिप्लिन थे, वो तब भी मेहनत करते थे, राइट? और शायद किसी लक की वजह से उस टाइम पे वो स्कोर नहीं कर पाए थे, बट आपको डिसिप्लिन जरूरी रखना पड़ेगा, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, राइट? जैसे अंकुर ने हमें बताया. ओके, सो थैंक यू अंकुर, आपकी गाइडेंस जो आपने दी है स्टूडेंट्स को, आपने जो हमें टाइम दिया है, राइट? एंड आई होप लाइक कि जैसे 11th 12th में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, वैसे ही आप CA के अंदर में जो आप अपना करियर परस्यू कर रहे हैं वहां पे भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें. आप फाउंडेशन में, इंटर में रैंक लाएं, फाइनल में रैंक लाएं, और आगे जाके जो अपना करियर चूज करेंगे वहां भी बहुत कुछ अच्छा अचीव करें. यही हम एज अ टीम COC की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं.